नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। आज दीपावली के दिन बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह ने अपनी नई कार्यकारिणी की घोषणा की है। जंबो जेट साइज में प्राधिकारी बनाए गए हैं और हमारे पास जो पदाधिकारियों की घोषणा हुई है पूरी सूची आ गई है, तो आपको हम बताते चलते हैं कितनी संख्या में कौन से प्राधिकारी बने हैं। इसके साथ ही प्रकोष्ठों के अध्यक्ष भी बनाए गए हैं। वशिष्ठ नारायण सिंह ने स्पष्ट किया है कि नेता विधानमंडल दल मतलब नीतीश कुमार, पार्टी के सभी वर्तमान सांसद, विधायक, विधान पार्षद, बिहार से राष्ट्रीय कार्यकारिणी मतलब जनता दल यूनाइटेड की नेशनल एग्जीक्यूटिव के भी मेंबर होंगे और राज्य कार्यकारिणी के पदेन सदस्य होंगे। तो देखिए, वशिष्ठ नारायण सिंह ने जो अपनी नई कमेटी बनाई है उनमें 12 उपाध्यक्ष बनाए गए हैं और इनके नाम हैं नवल किशोर राय, पूर्व सांसद, विश्वनाथ सिंह, डॉक्टर NN शाही, लखन ठाकुर पूर्व विधायक, रंजीत सिन्हा पूर्व मंत्री, श्याम बिहारी राम पूर्व सदस्य विधानसभा, रुदल राय पूर्व सदस्य विधान परिषद, राजन मिश्रा, श्रीमती अंजलि सिन्हा, मौलाना उमर नूरानी, प्रोफेसर महेंद्र प्रसाद सिंह और नरेंद्र सिंह। महासचिव 19 बनाए गए हैं। इनके नाम हैं डॉक्टर नवीन कुमार आर्य, अनिल कुमार, परमहंस कुमार, चंदन कुमार सिंह, कामाख्या नारायण सिंह, मंजीत सिंह पूर्व सदस्य विधानसभा, अजय पासवान पूर्व सदस्य विधानसभा, प्रदीप सिंह पूर्व सदस्य विधानसभा, अरुण कुशवाहा, निहोरा प्रसाद यादव, अशोक कुमार बादल, अशोक कुमार सिंह, सुहेली मेहता, डॉक्टर आसमा परवीन, दुर्गेश राय, विभूति गोस्वामी, आसिफ कमाल, विपिन कुमार यादव और राम गुलाम राम। सचिव जो हैं वो उनकी संख्या 11 है, मतलब बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की नई कमेटी में 11 सचिव बनाए गए हैं और इनके नाम हैं कमलेश सिंह, कमल नोपानी, शैलेंद्र प्रताप सिंह, अमर कुमार अग्रवाल, मनोरंजन गिरी, शौकत अली, साकेत सिंह, धीरेंद्र सिंह, अनिल सिंह, राजेंद्र प्रसाद यादव और सैयद नजम इकबाल। कोषाध्यक्ष ललन कुमार शर्राफ हैं जो बिहार विधान परिषद के सदस्य भी हैं। संगठन प्रभारी काफ़ी संख्या में बनाए गए हैं और इनकी संख्या है 38, मतलब जिलों के हिसाब से बनाए गए, बाद में जिले आवंटित किए जा सकते हैं। इनके नाम हैं जो संगठन प्रभारी बने हैं, नंद किशोर चौधरी, दीपक पटेल, भीषम सहनी, सत्येंद्र कुमार सहनी, अरविंद राय, विद्यानंद बिकल, अशरफ अंसारी, संजय मालाकार, अरुण कुमार सिंह, जियाउद्दीन खां, अजित चौधरी, विपिन कुमार सिंह, अविनाश कुमार, चंदन कुमार पटेल, अमर कुमार चौधरी उर्फ भगवान चौधरी, अशोक कुमार सिंह, प्रहलाद सरकार, प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, चंद्रभूषण राय, आलोक वर्धन, इंजीनियर शंभू शरण, मोहम्मद समीम इकबाल, अर्जुन शाह, अर्जुन प्रसाद, ललन प्रसाद कुशवाहा, जीवन लाल चंद्रवंशी, मुनेश्वर सिंह, सत्येंद्र कुशवाहा, मुकेश विद्यार्थी, जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी, गगन भूषण प्रसाद, कुंडल वर्मा, राजीव रंजन कुमार उर्फ राजू गुप्ता, अशोक कुमार सिंह, प्रभात रंजन उर्फ दीपक सिंह, शंभुनाथ सिन्हा, विनोद कुमार राय और परवीन चंद्रवंशी। इसके बाद बारी आती है कार्यकारिणी सदस्यों की, जिनकी संख्या 59 है। पहला नाम है आरा की पूर्व सांसद मीना सिंह का। फिर बाकी जो सदस्य हैं कार्यकारिणी के स्टेट एग्जीक्यूटिव कमेटी के, उनके नाम मैं लेता चलता हूँ। गुलाम गौस पूर्व सदस्य विधान परिषद, सुरेंद्र प्रसाद सिन्हा पूर्व सदस्य विधानसभा, रामचंद्र प्रसाद पूर्व सदस्य विधानसभा, श्रीमती रजिया खातून पूर्व सदस्य विधानसभा, डॉक्टर रणविजय कुमार पूर्व सदस्य विधानसभा, डॉक्टर इजहार अहमद पूर्व सदस्य विधानसभा, महेश्वर सिंह पूर्व विधायक, छोटे लाल राय पूर्व विधायक, प्रभात रंजन पूर्व सदस्य विधानसभा, वाल्मीकि सिंह पूर्व सदस्य विधान परिषद, सियासरन ठाकुर, भृगु आश्रम सिंह कुशवाहा, वीरेंद्र कुमार सिंह, मुन्ना सिद्दीकी, मंजू वर्मा, नंद किशोर कुशवाहा, अरविंद कुमार उर्फ छोटू सिंह, राजेश्वर चौहान, हरिओम कुशवाहा, राम इकबाल राय क्रांति, दीदार हुसैन चांद, मोहम्मद अब्दुल कयूम, मोहम्मद फिरोज अंजुम, नीलू पटेल, परमोर साहा अधिवक्ता, सुनील कुमार, जितेंद्र कुमार जीबू, शिवशंकर चौधरी,
महमूद बख्खो, राजीव नैन उर्फ राजू सिंह, दयानंद सिंह, राजीव रंजन श्रीवास्तव, मोहम्मद कमाल परवेज, अशोक चंद्रवंशी, राजेश प्रसाद, पंकज कुमार, अनिल सिंह कुशवाहा, बबन सिंह कुशवाहा, तपेश्वर सिंह, डॉक्टर शत्रुघ्न मंडल, श्रीमती कंचन कुमारी गुप्ता, श्री हुलेश मांझी, डॉक्टर अखिलेश्वर प्रसाद, श्री सच्चिदानंद प्रसाद सिंह, श्री राधा कृष्ण प्रसाद उर्फ झूलन गोंड, कुमार विजय सिंह, डॉक्टर विनोद कुमार यादव, संजय कुमार सिंह, अभय सिंह, राजू बर्नवाल, अक्षय कुमार झा, बीबी प्रभाकर, युगल किशोर अग्रवाल, जिब्रेश्वर शाह और मोहम्मद नईम उद्दीन, ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के मेंबर होंगे। अब इसके बाद बारी आती है पार्टी के प्रकोष्ठों की, जिनके अध्यक्षों की घोषणा की गई है। कुल 30 प्रकोष्ठ बनाए गए हैं। युवा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बने हैं अभय कुशवाहा, जो सदस्य विधानसभा हैं। किसान प्रकोष्ठ के अध्यक्ष बनाए गए हैं मनोज कुमार। महिला प्रकोष्ठ की अध्यक्षा बनाई गई हैं श्रीमती श्वेता विश्वास। अति पिछड़ा प्रकोष्ठ संतोष महतो। अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ तनवीर अख्तर, सदस्य विधान परिषद। दलित प्रकोष्ठ राम प्रवेश पासवान। महादलित प्रकोष्ठ रुबेल रविदास। व्यावसायिक प्रकोष्ठ मूलचंद गोलछा। चिकित्सा प्रकोष्ठ डॉक्टर एलबी सिंह। विधि प्रकोष्ठ सुभाष प्रसाद सिंह। कलमजीवी प्रकोष्ठ डॉक्टर प्रभात चंद्रा। सहकारिता प्रकोष्ठ पप्पू निषाद। पंचायती राज प्रकोष्ठ सुनील सिंह कुशवाहा। शिक्षा प्रकोष्ठ डॉक्टर कन्हैया सिंह। तकनीकी प्रकोष्ठ रामचरित्र प्रसाद। बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ प्रोफेसर राम बचन राय, सदस्य विधान परिषद। प्रशिक्षण प्रकोष्ठ सुनील कुमार। सेवादल प्रकोष्ठ बिशन कुमार बिट्टू। सांस्कृतिक प्रकोष्ठ सत्येंद्र कुमार संगीत। आदिवासी प्रकोष्ठ जगजीवन नायक। खेलकूद प्रकोष्ठ विजय कुमार शर्मा। छात्र प्रकोष्ठ श्याम कृष्णा उर्फ श्याम पटेल। श्रमिक प्रकोष्ठ राजेंद्र सिंह जॉर्ज। नगर निकाय प्रकोष्ठ रंजीत प्रभाकर। जल श्रमिक प्रकोष्ठ सुनील भारती। बुनकर प्रकोष्ठ राजेश पाल। मीडिया प्रकोष्ठ डॉक्टर अमरदीप। सुरक्षा सेवा प्रकोष्ठ रिटायर्ड कर्नल इसरत नबी। समाज सुधार वाहिनी प्रकोष्ठ डॉक्टर रंजू गीता, सदस्य विधानसभा। और समाज सुधार सेनानी प्रकोष्ठ जितेंद्र नीरज। तो ये घोषणा वशिष्ठ नारायण सिंह की ओर से हुई है, जो बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं। तो ये जानकारी आपके लिए नई थी। आज दीपावली के दिन बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड की नई एग्जीक्यूटिव कमेटी का ऐलान हो गया है। आप देखते रहिए लाइव सिटीज़। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।